So hey, what up YouTube? Hope you are doing well. So welcome back to my YouTube channel and welcome back to my daily vlog. So right now, अभी है हमारे पास Hero Xpulse. अभी यस चाहेंगे RC चला रहा है and मैं चला रहा हूँ उसकी Xpulse. So actual में RC वो मेरी नहीं है, राहुल की RC है. So हमने सोचा कि इन दो beautiful bikes को लेके चलते हैं, थोड़ा content वगैरह shoot करते हैं. So भाई ये है आज हमारे पास दो bikes, Hero Xpulse. ये वाली Hero Xpulse वही वाली है जो आपने देखी होगी, मैंने ये पूरी की पूरी नदी में डाल दी थी, यहाँ तक पूरा पानी आ गया था इसमें. एंड यस चैंग की है, ऑब्वियसली भाई का यूट्यूब चैनल है, सो यहाँ पे पूरा यूट्यूब चैनल मेंशन करके रखा है भाई ने. एंड वो है बाइक RC 200 जो कि है राहुल की. एंड लुक एट द ग्राफिक्स ऑफ दिस बाइक. एंड ये पावर पार्ट वाले ग्राफिक्स हैं, बट ये रेप्लिका है. ओरिजिनल वाले में थोड़ा यहाँ पे शाइनी वाला पैटर्न आता है, सो ये रेप्लिकाज हैं, बट ओवरऑल बाइक की लुक बहुत सेक्सी लग रही है. सो एक्चुअल में एक बाइक हमारे पास रेसिंग बाइक है, एक ऑफ रोड बाइक है. सो हम ये कन्फ्यूज रह रहे हैं कि अगर हम ट्रेल में लेके जाएंगे तो इसको नहीं लेके जा पाएंगे, अगर हम रेस पे लेके जाएंगे तो वो पीछे रह जाएगी या आगे निकल जाएगी. सो कन्फ्यूजन है. मैं ट्राई करूंगा हीरो एक्सपल्स में व्हीली वगैरह, फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं और डिफरेंट लोकेशन पे चलते हैं. अभी मैं एक्चुअल में अपनी बाइक पे नहीं आया हूं, बेला में आया हूं, क्योंकि आज राखी थी जैसे आपको पता है, राखी के दिन. सो मैं फैमिली के साथ आया हूं एंड ये राखी कुछ बनाई है मेरी बहनों ने. यश भी साथ में था तो ये भी डेली ब्लॉगिंग कर रहा है यार, बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, उसका ये चैनल है, सब्सक्राइब कर देना यार. पता क्या सीन होता है, जब बंदा मेहनत कर रहा हो तो उसको अपने ही बंदे सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब अपने ही एरिया के सपोर्ट नहीं करते हैं. सो अगर यूनिटी दिखाओगे, जैसे जम्मू कश्मीर के बंदे हैं उनको, मतलब जितने भी मोटर ब्लॉगर्स हैं पूरा जम्मू उनको सपोर्ट करते हैं, सारी जगह की यूनिटी दिखाते हैं. सो हिमाचल के बंदों जो भी देख रहा है भाई, यूनिटी दिखाओ. चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, चैनल सब्सक्राइब फ्री में होता है यार, जस्ट क्लिक दबाना तुमने सब्सक्राइब दे सकते हो आप. उससे क्या होता है कि बंदे का चैनल वगैरह ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं. बस इतनी सी हेल्प आप सबको कर सकते हो, मेरे को वो करो. अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. सो आपको अभी एक खतरनाक सी लोकेशन दिखाता हूँ मैं, वहाँ से एक्चुअल में कांगड़ा फोर्ट का पूरा व्यू वगैरह दिखता है. एंड ऑब्वियसली हीरो एक्सपल्स है हमारे पास, तो थोड़ा ऑफ रोड वगैरह. एंड हीरो एक्सपल्स में कभी भी व्हीली वगैरह नहीं उठाई है एंड मैंने टेस्ट अप भी नहीं किया इसकी पावर वगैरह. एक्चुअल में 200 cc की है, तो पावर तो इनफ है इस बाइक की, बट अभी देखते हैं कि ये व्हीली वगैरह में कैसी है. ऊपर जैसे यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आई बटन को दबाओ, जो मेरे ऑफ रोड वाली वीडियो है इसमें है हीरो एक्सपल्स में. पानी में ना मैंने पूरी पूरी डुबा दी थी है, सो वो देखना यार जरूर, ब्लॉग बहुत अच्छा बना हुआ है. मैं एक बार फिर से व्हीली वगैरह उठा के देख लेते हैं. भाई साहब मोटी खड़ी हो गई थी ये. ओह मैन, नेक्स्ट लेवल यार. ओह मैन, नेक्स्ट लेवल यार. इतनी सेक्सी उठ रही है ना इससे बिल्ली. हाँ मन तो मेरा बड़ा है इसको लेने का. रैली किट डलेगी ना, रैली किट के बाद तो ऐसे उठते जाती है. ओ भाई रैली किट में अभी जैसे अभी मेरे पैर पूरे पहुंच रहे हैं ना इसमें, रैली किट में ऐसे करके होगा और एक टांग यहाँ पे ऐसे होगी ऊपर लटकी हुई, इतनी हाइट बढ़ जाती है इस बाइक की. आप इसको खाई से फेंक दो, बाइक टूट जाएगी पर इसके शॉकर्स नहीं टूटेंगे. ऐसी बाइक है भाई ये हीरो एक्सपल्स. एंड हीरो की क्वालिटी ऑब्वियसली जो सर्व कर रही है इतने टाइम से, जो इसने ट्रस्ट बना के रखा है अपनी इंडियन मार्केट में. मैंने बहुत सी बाइक्स एक्चुअल में ये लद्दाख साइड में भी देखी हुई थी. लद्दाख साइड मैक्सिमम KTM वगैरह एंड रॉयल इनफील्ड वगैरह ही चलती हैं. सो वहाँ पे इन बाइक्स में बंदे टूरिंग कर रहे थे भाई लोग, इस बाइक में टूरिंग कर रहे थे वो, इतनी रफ एंड रगेड बाइक है ये. प्राइस पॉइंट से देखा जाए तो ये अफोर्डेबल बाइक बहुत है, जो भी कोई ऑफ रोड वगैरह का शौक रखता है उसके लिए ये बेस्ट है, बेस्ट कॉकपिट के साथ एंड बेस्ट पावर के साथ ऑब्वियसली. सो एक्चुअल में गाइस अभी रस्ते में खड़े थे हम एंड मेरी SD कार्ड फुल हो गया था GoPro का, सो अभी ये इरेज की है. सो अब रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. मैंने बहुत बकवास की थी पीछे एंड वो सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है. ब्लॉगिंग में ये सब तो चूतिया फेस करने पड़ते हैं यार, कभी फाइल्स डिलीट हो जाती है, कभी करप्ट हो जाती है. जस्ट इमेजिन मैंने एक दिन पूरा ब्लॉग शूट किया हुआ था एंड वो पूरा ब्लॉग ही इरेज हो गया मेरा. सो पेशेंस रखने पड़ती है यार हर एक काम पे. पेशेंस नहीं रखेंगे तो बंदा कभी भी हार मान सकता है यूट्यूब पे यार. यूट्यूब इज नॉट ईजी जॉब. लगता है ना जैसे देखने में 8 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, बट इस 8 मिनट की वीडियो के पीछे जो हम शूट करते हैं ना घंटा भर, वो चीज़ की मेहनत अनबीटेबल है भाई. इट्स वेरी हार्ड. एंड अगर कोई भी फाइल करप्ट हो गई ना बीच में तो हमारे तो मतलब डीमोटिवेशन ऐसे 2 सेकंड में आता है. एंड ये देखो यार क्या सेक्सी मूर्ति है भाई, ये बहुत खतरनाक एरिया भाई लोग यहाँ से, मतलब यहाँ पे मेरे को खड़ा होने में भी डर लग रहा है. GoPro को थोड़ा वाइड एंगल है, वो वाली देखो जगह कितनी हाइट पे है. एंड ये है हमारा कांगड़ा फोर्ट. अगर यहाँ से गलती से भी कोई गाड़ी गिरी नीचे तो भाई चांस ही नहीं है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड. गाड़ी में मैं जब भी जाता हूँ मैं अपना GoPro और हेलमेट साथ में कैरी करता हूँ. वो कोई पता नहीं है मेरे को कब जैसे कोई मेरा दोस्त मिल जाए एंड मल्टीटास्किंग हो जाए. घूमने के साथ साथ अगर आप अपना काम भी निपटा लो तो सोने पर सुहागा. इस मोड़ के बाद आप व्यू देखना कितना प्यारा लैंडस्केप है यहाँ से. यह देखो पूरी डिफरेंट सीनरी है. अच्छा अभी इतना प्यारा नहीं लग रहा है, नीचे से जाके दिखाऊंगा मैं. ये पूरा गार्डन टाइप यहाँ पे पूरा वाइब है, ग्रीनरी. बट यार जो इस वाइब आ रही है ना इस बाइक के साथ मेरे को, क्योंकि एक बाइक चला चला के बंदा ना बोर हो जाता है. सो ये है एक ऑफ रोड ट्रेल. ये कहाँ तक है ट्रेल? मैं मार के आऊँ एक, धीरे धीरे से चलाना फिर इसको. RC टच टूच होगी ना तो हमारी मार लेगा.
वो दिख रहा है एक zigzag सा, वहाँ पे लेके चलते हैं आरसी। तो नहीं जाएगी आरसी, जहाँ तक जाएगी अभी यहाँ तक तो प्लेन है, अगर जहाँ ज्यादा ऑफ रोड आएगा वहाँ खड़ी कर देंगे। आजा तो भाई, फाइनली हमें एक ट्रेल तो मिल चुकी है। एक्सपल्स देखो भाई क्या परफॉर्म कर रही है इस टाइम। ओह माय गॉड, ये ट्रेल वैसे बंद है पूरी। आरसी नहीं जाएगी ना आगे, इसको यहाँ पे खड़ी करते हैं साइड में और वो हम ऊपर चलते हैं। ये पूरा बना हुआ zigzag तक ना, बड़ा बड़ी मस्त जाएगी बाइक। चल हीरो एक्सपल्स देखो यार कितनी प्यारी बाइक है। सो हमने आरसी आगे तक नहीं जाएगी, जहाँ तक रोड था ये वहाँ तक हमने आरसी वगैरह लगा दी अपनी। सो यहाँ भी ये पार्क कर दिया। तो पीछे जो है हमारे साथ वो है एक खतरनाक ऑफ रोडर, एंड हमें एक ट्रेल मिल गया, बहुत खतरनाक ट्रेल है भाई। लोग यहाँ से देखो आगे पूरा झाड़ियाँ वगैरह है, एंड वो रास्ता ऊपर ऊपर से होके वहाँ तक जा रहा है। सो हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे एक्सपल्स को ऊपर तक लेके जाते हैं। सो ये देखो भाई खतरनाक ऑफ रोड है। सो बाइक अगर गिरी तो सारा खर्चा मेरा है। सो कोई सीन नहीं है। तो यहाँ से देखो भाई कितनी खाई हुई है। ओ भाई ओ भाई, चढ़ाई दी हमने। सो एक खतरनाक सा रोड है, मोड़ है यहाँ पे। काश ऊपर अगर सड़क हो ना ऊपर, इसको टॉप पे पहुँचा देना हमने जेसीबी की तरह। चलो भाई भाई, एक तो ये पत्थर, एक तो पानी वाले पत्थर हैं ना बड़े बड़े, जैसे नदी वगैरह में होते हैं। सो ये पूरा टायर इसका स्किट कर रहा है, एंड मेरे को ऑफ रोड बाइक्स के साथ इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं इसको खड़े होकर यहाँ पे चला पाऊँ, पर इतना बहुत तो आइडिया है कि कैसे चढ़ेगी है। ओ भाई सो भाई पहुँचाई दी हमने ऊपर तक, खतरनाक ऑफ रोड मारा है भाई। सो एक पैच ये भी है, तो अब मैं यश को भेजता हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा ऊपर रास्ता है। ले आऊँ? सो भाई फोटो शूट करने के लिए हम बाइक को ऊपर चढ़ा रहे हैं। सो आई होप सब ठीक जाए। ओ भाई चढ़ा दी। ये ऐसे रास्ते होते हैं कि ऑफ रोड पे रास्ता ही बंद है भाई, ऊपर रास्ता ही खत्म है। सो भाई देखो एक्सपल्स हमने कहाँ चढ़ा दिया, आगे खाई है पूरी की पूरी। सो एनीवेज एक्सपल्स देखो भाई कहाँ पे खड़ी की हमने पार्क, यहाँ पे पूरा रास्ता वगैरह बंद है। इजीली चढ़ गई एंड इजीली चली है भाई, बहुत खतरनाक तरीके में चढ़ाई हमने, पर उतारनी पता नहीं कैसे है भैया मेरे को। उतारने का रास्ता ही नहीं है, उतर जाएगी, कोई इसका नहीं है। पूरे पहाड़ के हम बीच में खड़े हैं, तो तुम हाइट देख सकते हो भाई, हाइट बहुत ज्यादा है इस बाइक की, तो इजीली चल जाती है हर जगह। ये चल जाती है देख रहे हो तुम, एंड कुछ ऐसी जगह यार। तो गाइस अगर आपने मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर पहुंचा दी तो मैं ये वाली बाइक यहाँ से उतारूंगा एक और साथ में मैं भी उतारूंगा, नहीं लेंगे ना अपनी बाइक ऐसी। देख लो कैसा रास्ता है, यहाँ से उतारेंगे, बस 1,00,000 सब्सक्राइबर करा दो हमारा, क्योंकि हम एकदम माँ बहन एक कर दे रहे हैं बाइक्स की। मेरे भी 1,000 कंप्लीट करवाओ, कंटेंट शूट करने के लिए हम माँ बहन एक कर दे रहे हैं। मेरे भी 1,000 कंप्लीट करवाओ, और यश चैंग को भी फॉलो करना है यार, शाउट आउट टू यश चैंग। देखो वो आरसी खड़ी है अपनी, बंदा देखो कैसे शूट करता है अपने आईफोन के साथ। हम इतने अच्छे लोकेशन पे आए हैं, बट अभी हम ऊपर जाके पूरा वैली एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ से हम अभी ऊपर को ट्रैक करेंगे एंड यहाँ से चढ़ेंगे। सो धीरे धीरे करके चढ़ते हैं यार, अभी यश चैंग चढ़ता है, इसको चढ़ाता हूँ मैं। चलो क्या चढ़ जा भाई, भाई गया था अगर मैंने, दे भाई हाथ लगा यहाँ पे, गया नहीं तो मैं। चल चल भाई खींच दे, शाबाश। सो ये देखो यार बाइक देखो कहाँ पे खड़ी हुई है। सो लव इट यार, एरिया चेकआउट करो यार, कितना प्यारा एरिया है। ऊपर जाके बैठते हैं, हमने पहले गलती कर दी, नहीं तो हम थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह लेके आते अपने लिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और यहाँ पे बैठते। ऐसे ऐसी ऑफ रोड बाइक्स वगैरह हो ना यहाँ से चढ़ा देनी ऊपर को, एंड यहाँ पे कैंपिंग कर लेने आके। और एरिया तो देख ही सकते हो आप कितना प्यारा है। गर्मी बहुत है गाइस यहाँ पे, एंड कांगड़ा में इस टाइम पता नहीं क्या टेम्परेचर, 31 डिग्रीज चलो हुआ टेम्परेचर इस टाइम पे, एंड हम देखो कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे। सो हिमाचली बंदे हैं यार, 31 डिग्री हमारे लिए बहुत है। अब इस ऊपर तो क्या ही जाना यार, ट्रैक है, थक गया भाई। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.
let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, this a dream, and I pray. सो ऑल राइट गाइस अभी मैं राजा भाई के कैमरे से शूट कर रहा हूँ, राजा भाई के गोप्रो से, क्योंकि भाई मैंने फ़ोन डाला हुआ था तो मैंने बोला भाई अपना कैमरा दे दो मुझे, क्योंकि उतार नहीं और मेरा कैमरा भी गहरा, मेरा फ़ोन भी गहरा गिर गया तो भाई बड़े लेने के देने पड़ जाएंगे। तो भाई देखता हूँ कैसे उतारता हूँ मैं यहाँ से। ऑल राइट, ओ मैन, ओ शिट मैन, मैं तो बोलता राजा भाई आप ही लेके जाओ, काफ़ी स्टीप है। ओ भाई 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 पकड़ो, ओ शिट यार, भाई यहाँ पे पत्थर भी कह रहा हूँ, मेरा पैर मुड़ा ना तो एकदम से गिर गई, शीशे भी कह रहा है मैं लग जाए, मैं नया शीशा डलाया ब्रो इसमें। हाँ वाह यार वाह, यो भाई की बाइक गिर गई, भाई को थंबनेल चाहिए, जल्दी करो फिर स्टार्ट नहीं होती है ये, भाई इसमें स्मेल भी कहना स्टार्ट हो गई है। सो ऑल राइट यार इसको उठाएंगे, ओ भाई 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 गियर में, ब्रेक पे आ रहा है, गियर में, हाँ मतलब गियर पे है ना, ये टूट गया यार, ये ठीक है ठीक है, ये लगे थोड़े बहुत स्क्रैचेस, ठीक है यार नहीं रुको रुको धक्का स्टार्ट हो जाएगी, कितना डिफिकल्ट है पर निकाल लूँगा मैं। ऑफ रोड है ना, सोल रेड गाइज बाइक तो होगी स्टार्ट अपनी, थक गया यार मैं बाइक स्टार्ट कर करके, चलो जल्दी से नीचे उतारते इसको। ओके गाइज नीचे तो ले आया मैं, काफ़ी मुश्किल लगी यार, ऊपर का बड़ा खतरनाक रास्ता था एंड ये थोड़ा ठीक है। सो यार निकाल दिए बाइक, समझ गए भाई। तो भाई अभी हमने हेलमेट एक्सचेंज कर लिया, अभी यश मेरा हैंडल कर रहा था यूट्यूब चैनल। भाई बहुत हैवी हेलमेट है भाई आपका, मतलब भारी है ना ये, बहुत ज्यादा मेरी बैक में दर्द होगी भाई, स्पाइनल कॉर्ड इतनी, भाई साहब ये दर्द जिंदगी भर रहती है मैं इतना बता दूं, स्पाइन की ना मेरा 1300 समथिंग ग्राम का है। हाँ। तो आपका आई थिंक 2 kg के ऊपर का होगा, इतना हैवी है। 2 kg का तो होगा आराम से यार, ये होगा ना हेलमेट का, इसका गोप्रो का भार भी है, मेरे को ना ये अपना सेटअप लगा के भी हल्का लगता है। हाँ यार पुराना हेलमेट है ना, अपग्रेड करना चाहिए मेरे को ना। सो एनीवेज यश चैंग ठीक ही बोल रहे हैं, हेलमेट तो मेरा बहुत भारी है यार और स्पाइन वगैरह में दर्द हो जाती है, वैसे भी इस एज में इतना नहीं पता चलता है, बट जैसे जैसे आदमी की एज कम होती रहती है, जैसे जैसे आदमी बढ़ता रहता है इंसान, सो टाइम के साथ ये चीज़ें ट्रेवल देती हैं। सो थोड़े टाइम में मैं हेलमेट भी अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ। दर्द लगा दी नीचे किसने? आपके हेलमेट में? नहीं यार स्पाइन में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस इसकी मेमोरी वगैरह फुल हो गई है, सो अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं इस लोकेशन पे। सो अब मेरे को लगता है कि ब्लॉग वगैरह यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि गोप्रो भी 3% पे बढ़ा हुआ है। ये देखो बाइक्स वगैरह कितनी प्यारी लग रही है एंड हमारी शक्ल देख के आपको लग ही रहा होगा कितना स्वेट वगैरह हुआ है। तो इस गर्मी हम शूट वगैरह कर रहे हैं एंड हमारी शक्लें माइंड मत करना यार इस टाइम, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम कॉन्टेंट वगैरह निचोड़ते हैं एंड ऐसे कॉन्टेंट वगैरह लेके आते हैं। यूट्यूब करना आसान बात नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ता है इसमें। सो एनीवेज एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन आप दबा दोगे तो हमारी फीस पूरी हो जाती है, उसमें हमें बहुत खुशी होती है। तो जितना भी हम हार्डवर्क वगैरह करते हैं तो हमें उस सब्सक्राइब बटन एंड एक लाइक बटन से आपसे मिल जाता है। सो कमेंट भी ज़रूर करना यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके सामने ये सब कुछ। सो लास्ट हॉप के साथ मैं चला हूँ यूट्यूब पे एंड ये चैनल चलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरे को ये छोड़ना पड़ेगा चैनल। सो एनीवेज प्लीज़ यार कमेंट वगैरह करो एंड उससे यूनिटी शो होती है कि अपने बंदे हमारे साथ हैं। सो इसका भी चैनल यार सब्सक्राइब करना, यश चैंग के नाम से चैनल होगा। सो ये है चैनल का नाम, ये है सामने। सो प्लीज़ यार इसको भी सब्सक्राइब करो, अपने हिमाचली बंदों को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ेंगे तो ही मिलजुल के आगे जाएंगे। बस यही था आज के ब्लॉग में, आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड विल कीप यू गाइस। यश यश चैंग भोसड़ी के मातर विल कीप यू गाइस।
मैं वीडियोस देख रहा था अपनी विल गिव यू गाइस पोस्टेड पोस्टेड